हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे डलकोफ्लैक्स टैबलेट के बारे में फ़्रेंड्स डलकोफ्लैक्स टैबलेट को कब्ज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आज हम डलको टैबलेट का एक कम्प्लीट रिव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे डलकोफ्लैक्स टैबलेट के कम्पोजिशन इसकी पैकिंग प्राइस इसके यूजेस किस तरह से काम करती है इसकी डोज क्या होती है इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानिया रखनी चाहिए और जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उन लोगों को अपनी डाइट में और अपने लाइफ में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए जिससे उनको कब्ज़ की समस्या में राहत मिले तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें हम डल्कोफ्लैक्स टैबलेट के कम्पोजिशन के बारे में तो डल्कोफ्लैक्स टैबलेट में बाइसकोडाइल मेडिसिन होती है इसकी एक टेबलेट में फ़ाइव एम जी मेडिसिन होती है ये एक स्टूमुलेंट क्लास की लग्जिव मेडिसिन होती है और डल्कोफ्लैक्स की एक स्टिप में दस टैबलेट आती हैं और एक टैबलेट का एमआरपी आर लगभग सवा से डेढ़ रुपये के बीच में होता है तो ये एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेबलेट है और ये सनोफाई कंपनी का ब्रांड है अब बात करें हम डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के यूजेस की तो डल्कोफ्लैक्स टैबलेट को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को तोड़ने के लिए कब्ज़ के इलाज में इसको दिया जाता है जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती है उन लोगों में कब्ज़ को ठीक करने के लिए डलकोफ्लैक्स टैबलेट को दिया जाता है या अगर किसी की कोई सर्जरी प्लान है तो ऐसे लोगों में सर्जरी से पहले आंतों को साफ़ करने के लिए डलकोफ्लेक्स टैबलेट को दिया जाता है अगर किसी की कोई जांच होनी है जैसे कोलोनोस्कोपी वगैरह अगर कि किसी की होनी होती है तो कोलोनोस्कोपी से पहले भी आंतों को साफ़ करने के लिए डलकोफ्लेक्स टैबलेट को दिया जाता है तो मोटा मोटा अगर हम बोलें तो डलकोफ्लेक्स का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कफ्स को तोड़ने के लिए और आंतों को साफ़ करने के लिए किया जाता है बात करें इसके हम मोड ऑफ एक्शन की है किस तरह से काम करती है तो ये एक स्टूबलेंट क्लास की लग्जेट मेडिसिन होती है ये हमारी आंतों की जो मोटिलिटी होती है स्पेशली जो बड़ी आँत है उसकी मोटिलिटी को ये बढ़ाती है साथ ही साथ ये स्टूल को सॉफ्ट भी करती है तो ये स्टूल को सॉफ्ट भी करती है आंतों की जो मोटिलिटी है उसको भी बढ़ाती है जिससे मोशन जो है जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाता है और पेशेंट को कब्ज़ में राहत मिलती है और डब्ल्यू एच ओ ने बासाकोडाइल मेडिसिन को अपनी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखा हुआ है और इस मेडिसिन को काम करने में लगभग लग छः से आठ घंटे का टाइम लगता है बात करें इसकी हम डोज़ की तो फ्रेंड्स एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए एडल्ट पेशेंट में एक से लेकर दो टैबलेट रात को सोते समय एक गिलास पानी से दी जाती हैं बच्चों में जो पाँच साल से लेकर बारह साल के बच्चे होते हैं उसमें इसकी एक टेबलेट को रात के सोते समय पानी से दिया जाता है इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे कि उल्टी का होना मतली का होना सिर में दर्द का होना पेट में दर्द होना डायरिया का हो जाना या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना अगर डलकोफ्लेक्स टैबलेट को लेने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अब बात करें हम डलकोफ्लेक्स टेबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है डलकोफ्लेक्स यानी कि बाइसकोडा मेडिसिन को लेकर उस कंडीशन में एक कॉन्ट्रेडिकेट टेबलेट होती है इसको यूज़ नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में भी एक कॉन्ट्राइडिकेट टैबलेट होती है इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ नहीं किया जाता है जिन लोगों को दस लगे हुए हो होते हैं उन लोगों में भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है जिन लोगों की को, को कोई इंटेस्टर्नल ऑबस्ट्रक्शन की समस्या होती है या तो में कोई अवरुद्ध होता है या जिन लोगों को रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या होती है जिन लोगों को सीवियर डिहाइड्रेशन होता है या जिन लोगों को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में भी डलकोफ्लेक्स टैबलेट को नहीं दिया जाता उनमें भी ये इंडिकेटेड होती है जब इस टैबलेट को लिया जाता है तो एल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की लीवर की हार्ट की कोई डिजीज़ होती है ऐसे लोगों को भी डलकोफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए तो डल्कोफ्लैक्स टैबलेट को लेते समय हमें इन सब बातों की सावधानियां रखनी चाहिए अब बात करें कि जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उन लोगों को अपने डाइट डाइट में और लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस कर लेने चाहिए तो जिन लोगों को कब्ज़ की यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उन लोगों को अपने खाने में ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और जब हम खाने में प्रॉपर अमाउंट में फ़ाइबर लेते हैं तो हमारी जो कब्ज़ की समस्या होती है वो दूर होती है साथ ही साथ जो जंक फूड होते हैं फास्ट फूड होते हैं जैसे चाइनीज़ फूड होते हैं जब तेज़ मिर्च मसाले के खाने होते हैं जो स्पाइसी ऑयली फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए ये कब्ज़ को बढ़ाने में काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो इस तरह को चीज़ों से बचना चाहिए खाने में ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए जिन चीज़ों में जो भी फाइबर होता है फ़ाइबर वाली डाइट ज़रूर लेनी चाहिए इसके अलावा थोड़ा अपनी जो रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को शामिल करना चाहिए जैसे योगा कर सकते हैं जिम जा सकते हैं मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ का करना भी ज़रूरी होता है इसके अलावा पानी को आप ज़्यादा मात्रा में पिए तो जब आप पानी में पीते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट हो जाती है उसमें पानी की कमी दूर हो जाती है तो जिससे आँतों में जो खुश्की होती है जो ड्राइनेस होती है वो भी दूर होती है और कर्ज में राहत मिलती है तो अगर आप अपनी डाइट में और अपने लाइफ में इस तरह के चेंजेस कर लेते हैं तो कर्ज में काफ़ी राहत मिलती है तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी डलको फ्लैक्स टैबलेट के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स